हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्वेरीज। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट कि प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें, और आपने इससे पहले की जो क्लास नहीं देखी है तो उनका मैं लिंक आपकी इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। इससे जो प्रीवियस जो क्लास हुई थी स्टूडेंट, उसमें मैंने बताया था कि हम किस तरीके से आपके प्रेजेंट टेंस को आपके जो रगन का हमें डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो तो किस तरीके से हम उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। और आज की क्लास होगी स्टूडेंट वो आपकी नेक्स्ट होने वाली है, इसमें हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे। यदि हम आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो और आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी फ्यूचर में हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज करते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आपकी जो आपकी प्रेजेंट वाले जो टेंस होते हैं उनको हम डायरेक्टली सेम ऐसे ही मीनिंग में उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट, उनको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आपने सीखा था। अब इसने बोला है कि अगर आपकी जो हमारा जो रिपीटेड स्पीच वाला, यानी कि रिपीटेड स्पीच मीन्स होता है जो हिस्सा स्टूडेंट आपका इन्वर्टेड कॉमा में आपका बंद होता है, ठीक है, अगर वो आपका किस में है आपके फ्यूचर टेंस में, तो उनका कुछ चेंज हो जाता है। जैसे आपका सेल है डायरेक्ट स्पीच, तो सेल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सुड हो जाएगा, बिल का बुड हो जाएगा, सेल बी का आपका सुड भी हो जाता है, बिल बी का वुड भी हो जाता है, सेल हैप का सुड हैप हो जाता है, बिल हैप का वुड हैप हो जाता है, सेल हैप बीन का आपका वुड हैप बीन होता है, और बिल हैप बीन का वुड हैप बीन होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो सेल और बिल किस में होती है, आपकी सिंपल फ्यूचर में होती है, ये आपकी हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस में होती है, और ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट में होती है, और ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो किस तरीके से इनका चेंज होता है। जैसे यहाँ बोला है कि ही सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा आई शैल राइट ए लेटर, उसने मुझसे कहा कि वो एक पत्र लिखेगा। तो अगर इसका हम किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट इसका स्पीच बनाएंगे स्टूडेंट, तो पहले हम सब्जेक्ट को ऐसे उतार देंगे ही का ही है, सेट टू के बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, सेट के बाद हमने टू और आपका ऑब्जेक्ट यूज़ किया था, इसीलिए हमने सेट टू को टोल में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम मी। अब यहाँ हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका सब्जेक्ट आपका आई या बी है, तो वो हम आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर, आई का ही है तो ही का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ही हो जाएगा। और सेल का अगर अब आप सोचोगे सेल का तो भाई सुड होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हम आई के और वी के साथ ही स्टूडेंट आपके सेल का यूज़ करते हैं, अदर के साथ हम आपके बिल का यूज़ करते हैं, तो ही के साथ हम बिल करेंगे, यानी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ बिल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपके गुड का यूज़ करेंगे। राइट लेट, मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ही सेड टू मी आई सेल बी राइटिंग लेटर, उसने मुझे कहा कि वो एक पत्र लिख रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, मी और कंजक्शन दैट और सब्जेक्ट ही का ही हो जाएगा स्टूडेंट। अब सेल भी है तो हम सेल भी तो तब यूज़ करते हैं ना, तब हम आई का यानी सुड, तो सुड भी तो आपका तब होगा, क्योंकि हम अगर हम यहाँ सब्जेक्ट आपका आई आता भैया, लेकिन यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ही आ रहा है, तो ही के साथ हम आज स्टूडेंट आपके बिल का यूज़ करते हैं, और अगर हम बिल का यूज़ करते हैं तो उसके साथ सेल बी का क्या होना चाहिए, आपका वुड भी होना चाहिए और राइटिंग लेटर। इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताया गया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई सेल हैव बीन रिटन लेटर, तो आप यहाँ देखोगे ये कौन सा टेंस है स्टूडेंट, ये आप समझ सकते हो सेल हैव है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा है ना, ठीक है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, सेल बी का सुड भी होगा या वुड भी होगा, तो यहाँ करोगे आप सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया, मी किया और कंजक्शन दैट यूज़ किया, और आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ही यूज़ किया, और ही है तो उसके अकॉर्डिंग बिल होना चाहिए, बिल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपका वुड हैव यूज़ किया, रिटर्न ए लेटर थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद अदर आपका ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बताया गया ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई सेल हैव बीन रिटन ए लेटर, तो ये आप क्या देखो, ये हमारा जो टेंस है स्टूडेंट ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, ठीक है, एक टाइम नहीं दिया है बस इसमें, लेकिन इसने बोला है आई सेल हैव बीन राइटिंग लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा होगा, तो यहाँ और टाइम आप बढ़ा सकते हो फॉर एन आवर या फॉर टू डेज, तो इस तरह हम टाइम का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच क्या करेंगे, ठीक है, ही सब्जेक्ट आ गया, सेट टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, मी कंजक्शन दैट करते हैं, इनवर्टेड कॉमा को हटा दिया स्टूडेंट, तो आई है तो ही हो गया, और ये तो वुड हैव बीन होगा और रिटिंग है लेटर। तो किस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट कि हम किस तरीके से आपके फ्यूचर वालों को कन्वर्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किस तरीके से टेंस की बना सकते हैं। एक और आपका इम्पोर्टेंट बात करें स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट बात यह है स्टूडेंट, अगर आपका जैसे सेल है, ठीक है, तो इसकी जगह हम आपके सुड है वुड है, तो जो आपकी सुड है बीन या वुड है बीन, तो इनका जो चेंज होगा वो स्टूडेंट नहीं होगा, समझिए एग्जांपल से देखो,
अगर मैं बात करता यहाँ ही सेड टू मी आई सेल्स, यहाँ सेल नहीं होता मान लीजिए, और अगर आपका यहाँ होता आपका सुड सुड होता, तो स्टूडेंट इसका जो अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये आपका सुड का सुड ही रहेगा। इसका आप यहाँ क्या करोगे, इसका आप नो चेंज कर सकते हो, ठीक है, यानी आप सुड को चेंज नहीं कर पाओगे। अगर बुड है तो बुड ही रहेगा यहाँ पे, अगर ठीक है इनडायरेक्ट, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें स्टूडेंट आपके रूल नंबर फोर में, तो रूल नंबर फोर में क्या बताया गया, रूल नंबर फोर में बताया गया कि ये जो वाला टेंस है यानी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो आपकी किस में थी, पास्ट में थी, तभी तो भाई हम चेंज कर रहे थे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेंस भी अगर आपका पास्ट में दे दिया है तो क्या करोगे भाई, फिर तो बहुत दिक्कत होगी। आप कहोगे सर ने तो मतलब रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में आ गई और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में आ गई, तो उनका क्या करना है स्टूडेंट, तो हम उनका चेंज किस तरीके से, देखो अगर आपका सिंपल पास्ट है यानी कि आपकी देखो रिपोर्टेड स्पीच सी सेड टू मी, तो आपने देखा कि जो सेड है स्टूडेंट ये आपका किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है, और यहाँ क्या देख रहे हो कि आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, तो यहाँ वेंट ये आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई, यानी सेकंड फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं, यानी आपके सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं, तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना हो, स्पीच बनाना हो, तो स्टूडेंट वो आपका सिंपल पास्ट हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी आपकी पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब, यानी हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, सेकंड फॉर्म की जगह वहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी, वो स्टूडेंट हम हेड यूज़ करते हैं, और हेड के साथ आपने लिखा होगा कि हम आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, मैं अपने मतलब लास्ट वीक में कहाँ गया था, जयपुर गया, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे स्टूडेंट कि सी सेड टू का टोल्ड मी हो गया, दैट यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, आई है यहाँ सी है, तो सी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सी यूज़ किया, और वेंट टू भी किया जाएगा, क्या हो जाएगा, हेड ही हो जाएगा, क्योंकि हम हमारी जो पास्ट परफेक्ट था उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट आपकी हेड होती है, और हेड के साथ हम आपकी थर्ड फॉर्म का यानी वी थ्री का यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो आपका अदर वर्ड है जैसे लास्ट है, तो लास्ट जो होता है स्टूडेंट वो आपका अदर पार्ट से इसमें बताऊँगा आगे जा करके कि किस तरह से चेंज करते हैं, यानी जो लास्ट वीक था वो किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट आपका प्रीवियस वीक में। तो इस तरीके से आपने देखा, इसी के बी एग्जाम्पल में बताया गया स्टूडेंट यहाँ पर कि द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही कम लेट, मतलब टीचर ने बताया कि वह लेट आया, आया तो आया, गया, खाया, पिया, तो इनसे क्या पता चल रहा है भाई, पास्ट की बात हुई है, ठीक है, रिसेंटली। तो अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट, ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका स्टूडेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है, नो इश्यू। तो यहाँ आप देखोगे द टीचर सेड, अब इसके बाद कहोगे सर आपने टोल्ड नहीं, क्यों नहीं गया, क्योंकि स्टूडेंट सेड के बाद आपका हमने टू यूज़ किया नहीं है, टू के बाद हमने ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया, तो इसीलिए हमने सेड का यहाँ पर सेड यूज़ कर दिया। कंजक्शन जरूर यूज़ करेंगे हम आपका दैट, ये कंजक्शन भी स्टूडेंट आकर आगे जाकर के आपको चेंज हो जाएगा, जैसे ऑपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ वो एक अलग इश्यू है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ही है, तो यहाँ पर हेड ही हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म और लेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब वो भी आपकी पास्ट टेंस में हो, और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टेंस होता है वो भी आपका किस में होना चाहिए, पास्ट में हो, तो आपका जो अगर हमारा जो टेंस यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में हो, आपकी पास्ट कंटिन्यूस हो, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय स्टूडेंट हम आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि पास्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो वाज वर्ब होती हैं, और आपका जो पास्ट परफेक्ट होता है वहाँ स्टूडेंट आपका हैड विन होता है, ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। यहाँ बताया गया है कि राम सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा द गर्ल वॉज डांसिंग, कि लड़की डांस कर रही थी, तो आप देखोगे राम सेड होल्ड नहीं किया, क्योंकि सेड है तो सेड क्या सेड ही रहेगा स्टूडेंट, दैट यूज़ किया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, द गर्ल, तो वॉज का क्या हो जाएगा हैड, और हैड के साथ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हैड वीन डांस। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया है कि सी सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा आई वॉज वेटिंग फॉर यू, स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा आपका वन। तो यहाँ आप देखो स्टूडेंट ने सी टोल्ड मी दैट, सी आई है तो आई के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज, तो यहाँ सी हो जाएगा हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब हम बात करें स्टूडेंट अगर आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, इनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते, यानी इनका इनडायरेक्ट स्पीच आपका नहीं बन सकता है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ बताया कि मिस्टर सुरेंद्र सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तो यहाँ आप देखोगे स्टूडेंट ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल है, तो आप देखोगे कि मिस्टर सुरेंद्र सेड का टोल्ड होगा मी दैट, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट क्या है मिस्टर सुरेंद्र, ये थर्ड पर्सन में आता है नाउन है, तो आपका
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ ही का यूज़ किया और हैड फिनिश्ड दिस। तो आपने देखा कि स्टूडेंट जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपके एग्जांपल दिए गए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसमें कोई मतलब चेंज नहीं होता है स्टूडेंट। तो आई सेड टू यू कमांडेड कॉमा राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। तो यहाँ आप देखोगे स्टूडेंट कि आई टोल्ड यू दैट कंजक्शन राम, तो राम ही रहेगा भैया, राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने चेंज किया, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट ये जो राम है ये आपका थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन में हमने क्या बताया था कि नो चेंज। एक तो यही रूल लग जाएगा भाई चेंज नहीं हुआ, और एक रूल तो आपने पढ़ाई है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम इनडायरेक्ट नेशन में स्पीच नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो नरेशन बनेगा वो बनेगा आई टोल्ड यू दैट राम हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट अगर हम रूल नंबर 5 में बात करते हैं, तो स्टूडेंट ने इसमें बताया कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद, यानी कि हम जो ये वाला जो पोर्शन होता है ये तो आपका स्टूडेंट पास्ट में ही, लेकिन ये वाला जो पोर्शन इसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद अगर आपकी जो वर्ब है यानी कैन है, मे है, आर है, एम है, हैज है, वे वर, हैज है टू एंड डू है प्लस वन टू, तो इनका क्या होता है स्टूडेंट इनका पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करें कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, इज और आपका एम का वॉज हो जाएगा, आर का वर हो जाता है, वॉज हैड हैड बीन हैड टू वी प्लस, तो इस तरीके से आपके क्या है चेंज होंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी वर्ब टू बी होती है उसका पास्ट चेंज हो जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे हम बताया कि राम सेड टू श्याम कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो आप अब यहाँ देखोगे यू के बाद क्या यूज़ किया हमने कैन, तो मैंने बताया था स्टूडेंट कि यहाँ हम राम सेड टू का टोल्ड हो जाएगा राम डेट। अब आप कहोगे यहाँ आपने ही यूज किया, क्योंकि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो है आपका यू, और यू यूज होता है हमारा चेंज होता है स्टूडेंट आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर ये रमन है और राम क्या है आपका स्टूडेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ सेकेंड रिपोर्टेड वर्ब का ये ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या आपका यू, तो ये आपके ऑब्जेक्ट यानी रमन, रमन किस में आता है थर्ड पर्सन में आता है यानी आपके, तो इसके रमन की जगह हमने किसका यूज़ कर लिया ही, तो ही यहाँ जो यूज़ कर रहे हैं वो स्टूडेंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं आपके रमन के लिए ना कि आपके राम के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कैन का कोड हो जाएगा बाकी स्पीक इंग्लिश जैसा टेंस आप उसको ऐसे था। इसमें बताया गया कि ही सेड टू यू, कुछ नहीं स्टूडेंट उनके केवल एग्जाम्पल हैं, तो आप ये ना सोचेंगे वीडियो बड़ी हो रही तो हमें देखनी है, वीडियो प्लीज़ गौर जरूर करें। ही सेड टू यू कमा टू कमा यू मे कम, तो फर्स्टली तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यू है तो ही टोल्ड यू, तो यहाँ भी यू है तो यू के स्टूडेंट आपका यू का यू हो जाएगा, मेक आपका माइट हो जाएगा, कमिंग। यहाँ बोला है अनु सेड टू रेनू आई एम ए गुड गर्ल, तो अनु सेड टू रेनू, तो यहाँ रेनू है आई इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ, तो ये जो आपका सी यूज़ किया ये यूज़ किया हमने आपके अनु के लिए वॉज ए गुड गर्ल। सब्जेक्ट एम है तो एम का किस में का नोट हो जाएगा आपका वॉज में यूज होता है। अब यहाँ आर है तो आर किस में चेंज होगी स्टूडेंट आपकी हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया कि रामू टोल्ड अनु दैट सी वॉज सॉरी यहाँ पे राम रामा सेड टू अनु यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि रामा कहती है अनु से कि तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। तो रामा इसी चीज़ को कहेगी कि रामा टोल्ड अनु, रामा ने अनु को बताया दैट सी यहाँ ये जो किसकी बात कर रहा है ये स्टूडेंट आपकी अनु की बात कर रहा है, ठीक है। सी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ हिज है तो एक उसके अकॉर्डिंग सी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसका हर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताएगा सी सेड टू आई हैव नो टाइम, तो हैव है किस में चेंज हो जाएगी हैड में, और यहाँ बताया रानी सेड टू मोहन आई वाज गोइंग टू यू, मतलब मैं तुम्हारे पास आ रही, तो रानी टोल्ड मोहन दैट सी हैड बीन, तो यहाँ जो आपका हमने यहाँ यू किया वॉज, तो ये आपके स्टूडेंट किस में हो गया हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी आपका किस में ये आप देखोगे तो ये कौन सा टेंस है आपका, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस को किस में कन्वर्ट करते हैं हम आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ही सेड आई टोल्ड यू टू दिस वर्क, तो ही सेड दैट टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि सेड ओनली कंजक्शन इनवर्टेड कॉमा हटा देंगे, आई है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और हैड टू को हैड, एक तो हैड इसके लिए आया स्टूडेंट, ठीक है, और एक हैड टू आपकी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, द वर्क। रूल नंबर 6 में बताया गया स्टूडेंट कि ये आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है यानी जो इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद रहता है उसमें बात की गई है आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई भी सार्वजनिक कोई भी सच बताया हुआ, प्रोवर्ब यानी कोई भी कहावत की बात कर रहे हो, या कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट यानी गणितीय सिद्धांत के बारे में की जा रही है, या आपका हिस्टोरिकल
फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात की जा रही है, या आपकी हैबिचुअल एक्ट यानी जो हम काम रोजाना करते हैं, ठीक है। यह हम बात करें आपकी मॉरलिटी यानी नैतिकता की, तो ऐसे बाकी जो होते हैं स्टूडेंट उनमें हम आपका कोई भी चेंज नहीं करते, चाहे आपकी पास्ट टेंस में होने पर भी इनमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते, यानी ये तो जैसे हैं उनको आपको सेता सेम का सेम रखना होता है। जैसे ही सेट कॉमन रेड कॉमा द सन सेट इन द वेस्ट, तो आप देखोगे ये तो भैया हमेशा से चला आ रहा है, जो सूरज है वो हमेशा उसमें जाके अस्त होता है पश्चिम में, तो इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो जैसा है ऐसे रखेंगे। तो ही सेट है तो ही सेट कॉन्जक्शन दैट यूज करेंगे द सन सेट द, इस तरीके से। नेक्स्ट है ही सेट कॉमन रेड कॉमा मोर मैन इज मोटर, यानी जो मानव है वो मरणशील है, ठीक है। तो ही सेट दैट, ये सब सेम उतारना, इसमें कोई आपको कोई ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं करना। ही सेट टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपकी प्रोवर्ब की गई है, तो ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ बताया गया द टीचर सेट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन द 26 जनवरी 1950, तो यहाँ आप क्या देख द टीचर सेट कॉमा का इन्वर्टेड कॉमा दैट इंडिया बिकम रिपब्लिक, यानी ये आपकी कोई हिस्टोरी की बात कर रहा है कि इंडिया 1950 में आप सॉरी 26 जनवरी 1950 को क्या आपकी आज़ाद बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ही सेट टू टू एंड टू इज फोर, तो आपने क्या देखा कि दो दो चार होते हैं, तो ही सेट दैट टू एंड टू इज फोर, तो आप यहाँ अब इसका आप वॉज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ ये आपके मतलब कोई भी मैथिकल यानी जो गणितीय सिद्धांत होते हैं उनकी बात कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ही सेट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे और ही सेट द ही सेट कंजक्शन दैट यूज करके मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ही सेट टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो फॉर ए वॉक दिल्ली फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा आपका बंद, तो यहाँ क्या स्टूडेंट ही सेट टोल्ड, तो यहाँ सेट का स्टूडेंट जरूर हम आपका टोल्ड कर देंगे, ठीक है। हम सेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है और आई है तो आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ही कर देंगे, ठीक है। गो फॉर ए तो गो फॉर ए वॉक डेल, तो ये आपकी कोई भी उसकी यानी हैबिचुअल है मतलब आदत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो था स्टूडेंट जनरली जो हम बात कर रहे हैं हमें किस तरीके से किस टेंस को हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना तो किस तरीके से उसको हम बना देंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आपके चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी पास्ट टेंस में, ठीक है, तो आपने जैसे मैंने बताया था कि दिस का दैट होगा, तो ये जो आपकी जो नियरेस्ट मीनिंग यानी कोई भी हम बात कर रहे होंगे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या सिचुएशन के बारे में स्टूडेंट, तो उसके जो नियरेस्ट के बारे में बताता है, जैसे मैं कहूँ यह मेरी बुक है तो दिस यूज़ किया मैंने यहाँ पे, आज कौन सा दिन है, तो आप देखो जो नियरेस्ट हैं उनको किस में चेंज कर देंगे हम आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में, डिस्टेंस यानी दूर वाले जो होते हैं ना उनमें चेंज करते हैं। जैसे जो डायरेक्ट स्पीच में अगर स्टूडेंट हम आपकी दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई गो फॉर लंच लास्ट, ठीक है, तो अब आप क्या देखो स्टूडेंट कि जो भी चेंज है, जैसे यहाँ मैंने यूज़ किया दिस, तो दिस का हम दैट में यूज़ करते हैं, दिस का दोज हो जाता है, हेयर का देयर, नाउ का देन, ठीक है, दिस का सो, हेंस का देंस, टुडे यानी आई विल गो फॉर मार्केट टुडे, तो टुडे को हम किस में यूज़ कर देंगे स्टूडेंट आपका हम दैट डे में आपका चेंज कर देते हैं। टू नाइट है तो दैट नाइट में, दिस डे है तो दैट में, यानी दिस का हम दैट में यूज़ करेंगे, बाकी जो जैसा होता है उसमें, जैसे टुमारो की बात करें कल आने वाला जो होता है तो हम बोल सकते हैं, एक तो तरीका है कि द नेक्स्ट डे जो आने वाला है, द फॉलोविंग यानी जो जिसको फॉलोविंग्स क्या होता है आने वाला जो आगे चल रहा है, ठीक है, या हम बात करें ऑन द मोरो आगे वाले, तो टुमारो को हम इन तीनों में आपका चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर येस्टरडे की बात करें तो हम बोल सकते हैं द प्रीवियस डे, प्रीवियस मीन्स क्या होता है जो पीछे वाला होता है, द डे बिफोर यानी आज के दिन से पहले का दिन, तो येस्टरडे को हम इन दोनों में भी आपका चेंज कर सकते हैं। लास्ट वीक है प्रीवियस में हो जाएगा, लास्ट मंथ है तो आपका द प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट वीक है तो आपकी फॉलोइंग, यानी नेक्स्ट की बात करा तो फॉलोइंग यूज़ करो, पीछे की बात करेगा तो हम प्रीवियस यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट मंथ है तो आपका फॉलोइंग यूज़ कर दिया, नेक्स्ट मंथ है तो सॉरी नेक्स्ट नाइट है तो द फॉलोइंग नाइट है, नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे, कम का हम स्टूडेंट आपका गो कर देते हैं और ए ईयर को यानी एक साल पहले की बात को कर देते हैं, ए ईयर को यानी एक साल बाद। तो ये था स्टूडेंट आपकी जनरली जो बात कर रही, मैंने बताया था चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपने जो प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उनका मैं लिंक स्टूडेंट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वीडियो को वहाँ से भी आप इनको वॉच कर सकते हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्टूडेंट आप बेझिझक मुझे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।